दोस्तों, जिले के रणथंबोर नेशनल पार्क में जंगल घूमने गए लोगों के लिए टाइगर की एक झलक देखने के लिए काफी मशक्कत जो है टूरिस्ट को करनी पड़ती थी। लेकिन पर्यटक की खुशी का ठिकाना सवेरे उस वक्त नहीं रहा जब गणेश धाम से एंट्री करने के दौरान रणथंबोर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग के पास ही एंट्री गेट पर टाइगर के दीदार पर्यटकों को हो। दरअसल बाघिन सुल्ताना की चहलकदमी सुबह सवेरे मुख्य सड़क के नजदीक ही पर्यटकों को देखने को मिली। इस दौरान मुख्य सड़क के नजदीक ही पर्यटक वाहनों की कतारें जो है लग गई और टाइगर साइटिंग का जो पर्यटकों ने है वहां पर जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही आपको बता दें, बाघिन सुल्ताना ने को लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। दरअसल रणथंबोर जोन नंबर 5 से निकलकर सिंह द्वार के करीब आए टाइगर ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर चहलकदमी की। इस दौरान जंगल भ्रमण पर जा रहे पर्यटकों और त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालु भी टाइगर का दीदार करने सड़क पर रुक गए, जिससे कुछ देर के लिए यहां वाहनों की भीड़ भी लग गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पर्यटकों और श्रद्धालुओं को वहां से दूर किया गया। कुछ ही देर में टाइगर मुख्य सड़क से हट गया और सड़क किनारे चहलकदमी उसके बाद वो करने लगी। तो लगातार ये जो वीडियो है यहां पर, इस दौरान टाइगर का मूवमेंट करीब 15 से 20 मिनट तक बना रहा, जिसके बाद टाइगर ने फिर से जोन नंबर 5 का रुख कर लिया। इस पूरे समय के दौरान टाइगर ने पर्यटकों और अन्य लोगों को फोटो और वीडियो बनाने का भरपूर टाइम दिया। दरअसल टाइगर सुल्ताना गणेश धाम से रणथंबोर फोर्ट के बीच मुख्य सड़क पर राहगीरों को रोजाना पिछले कुछ दिनों से दर्शन दे रही है। पहले रणथंबोर नेशनल पार्क में जहां पर्यटकों को टाइगर के दीदार करने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था और कई बार तो पर्यटकों को हताश होकर अपने घर वापस जाना पड़ता था, लेकिन वहीं इस साल रणथंबोर की नामचीन टाइग्रेस मछली की तरह ही सुल्ताना भी लगातार 4 दिनों से गणेश जी मंदिर मार्ग पर अपने शावकों के साथ विचरण करते हुए नजर आ रही है। जिन पर्यटकों को जंगल के अंदर टाइगर के दीदार नहीं हुए उनको सुल्ताना ने दर्शन दिए, जिसके साथ ही पर्यटकों का जंगल सफारी सार्थक हुआ।